जूम इसको देखो। ईशा देओल बनी नई एम्बेसडर एक मिनरल वाटर कंपनी की, जिसमें उनका साथ दिया छोटी बहन अहाना देओल और हेमा मालिनी ने। इसको देख के लगता है कि धीरे धीरे ही सही ईशा की भी अब ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है। ईशा देओल भी अब शामिल हो गई हैं एंडोर्समेंट्स की दौड़ में। जहां हर एक्टर कर रहा है कुछ ना कुछ एंडोर्स, वहां ईशा को कोई जल्दी नहीं थी एड वर्ल्ड की चकाचौंध का हिस्सा बनने की। मुझे अगर किसी चीज़ का शौक है, अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव करती हूँ तो मैं उसे एंडोर्स करूँगी। अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स इट। आई गेस दैट्स व्हाई इट्स टेकन मी अ व्हाइल। ईशा देओल की दो और फिल्म कैश और डार्लिंग होने वाली है जल्द ही रिलीज। दोनों ही फिल्म से ईशा को है काफी उम्मीदें और ईशा कम मगर अच्छा काम करने में रखती है यकीन। I'm quite satisfied, but I'm never 100% satisfied with everything. I'm an extremely ambitious person, और मैं आगे बहुत काम करना चाहती हूँ। ईशा जल्द ही सनी और बॉबी देओल के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी, मगर क्या हेमा मालिनी और अहाना देओल के साथ भी है कोई प्रोजेक्ट प्लान्ड? अहाना पता नहीं फिल्मों में काम करना चाहती है या नहीं, अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है, मेरे ख्याल से काफी शाय है वो। My mom and me will be doing a film together. फैमिली वेंचर ईशा के लिए कितना लकी साबित होता है ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही चलेगा पता। हाँ, सेट पर पूरी फैमिली जरूर बॉन्डिंग करेगी जम के। सौम्या चंदेल, जूम, दिल्ली। ईशा कोप्पिकर ने किया एक फोटो शूट जिसमें उन्होंने डिस्प्ले किया डिजाइनर अनीता डोंगरे के कलेक्शन को। आने वाले फैशन वीक के लिए उनकी इस कलेक्शन का ये फोटो शूट थी बस एक झलक। ईशा कोप्पिकर ने डॉन से जो स्टाइलिश इमेज पाई उसे वो कायम रखना चाहती हैं। इसलिए डिजाइनर अनीता डोंगरे की कलेक्शन के फोटोशूट में वो थी एक दीवा अवतार में। फिर भी फैशनेबल ईशा को कपड़ों के मटेरियल और फैब्रिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे को मटेरियल फैब्रिक के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। I just go by what suits my comfort level. बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, and I'm just waiting to wear these clothes. बॉम्बे के समर में तो आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम जरूर पहन सकते हो। सिर्फ वेस्टर्न इमेज बनाने पर ही नहीं तुली है ईशा, उतने ही प्यारे हैं उनको इंडियन लुक्स और ट्रेडिशनल स्टाइल्स। I love Indian, especially हमारे इंडस्ट्री में इंडियन फेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि यार बॉलीवुड हीरोइन, बट इट्स नाइस टू बी वर्सेटाइल। ईशा है हर मामले में वर्सेटाइल। जितने अलग अलग तरह के लुक्स अपनाती हैं, उतने ही अलग किस्म के रोल्स भी करने की वो कोशिश कर रही है। forthcoming projects में है डार्लिंग फरदीन खान के साथ, द हॉरर स्टोरी है, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड हेलो, एंड देन देयर इज शबरी। ईशा के फैन जरूर इंतजार करेंगे उनकी इन फिल्मों का। अब वो साबित होती है एक ज्यादा टैलेंटेड एक्टर या एक स्टाइल आइकॉन, ये देखना है बाकी। जूम मुंबई। मोहित अहलावत ना ही जेम्स बनकर कमाल दिखा सके ना शिवा बनके। वो उम्मीद कर रहे थे कि वो दिखा पाएंगे शोले के रीमेक में अमिताभ बच्चन बनके, मगर उन्हीं के मेंटर रामगोपाल वर्मा ने उनका वो सपना भी चकनाचूर कर दिया जब जाने किस बात पर उन्होंने मोहित को दिखा दिया फैक्ट्री के बाहर का दरवाजा। तो फिर क्या हैरानी है कि ऑन रिकॉर्ड कुछ बोले ना बोले, ऑफ रिकॉर्ड रामू का नाम सुनते ही मोहित दांत पीसने लगते हैं। फिलहाल मोहित अहलावत लगे हैं अपने जख्मों को सहलाने में, साथ ही वो कोशिश कर रहे हैं शोले की आंच से जले अपने दामन को बचाकर बीती बातों को भुलाने की। आई से रात गई बात गई, सो सो आई डोंट टॉक अबाउट, आई एम हैप्पी आई एम नॉट डूइंग इट। आई डिड जेम्स विद रामू जी, आई डिड शिवा विद रामू जी, एंड यू नो गेटिंग आउट ऑफ दैट थिंग यू नो टेकिंग मी टाइम, आई बी वेरी ऑनेस्ट, टेक मी सम टाइम मोर बिकॉज़ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस industry properly, because before like you know I never knew what is industry. I was just working with one man, so now I've got a couple of offers. I'm choosing my work. Film haath se gayi to gayi, magar lagta hai ki aage ke raaste Mohit band nahi karna chahte. Tabhi to itna kuch hone ke bawajood aaj bhi wo Ramu ki dosti ka dam bharte hain. Meri to aata unse koi anban nahi hui. I don't know kaun create karta hai, kya hota hai, I just don't get into time. Dekhenge time batayega nahi to karenge nahi karenge. खैर रामू की कोई और फिल्म तो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल मोहित के पास कौन सी फिल्में हैं इसका भी खुलासा वो अभी नहीं करना चाहते। I'm working on 3-4 projects. Actually, I'm not talking about my work at all because I don't know, I don't feel like talking about it. जब तक फिल्में हाथ में नहीं है
तब तक मोहित खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं मॉडलिंग के जरिए। ब्लैक पे फैशन वीक में नए डिजाइनर कुणाल रावल के फोटोशूट के लिए मोहित बन गए हैं मॉडल। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। विक्रम भट्ट की अगली फिल्म होगी फियर, जो रिलीज होगी अगले महीने। और सुनने में आया है कि इस फिल्म में कोई बड़े स्टार्स नहीं हैं, बल्कि हैं टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स। और तो और ये फिल्म है बेहद डरावनी और रिलीज होगी फ्राइडे द 13th को। विक्रम कहते हैं कि फिल्म ने खुद अपनी रिलीज डेट चुनी है। ऑडियंस भले ही डर जाए, उम्मीद है विक्रम आपकी फिल्म आपको बॉक्स ऑफिस में कोई फियर नहीं देगी।